नादियावाला में आल पंजाब गनकू ट्रेनिंग कैंप की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से मार्शल आर्ट खिलाड़ियों ने और चेयरमैन बल्दिया तांदलियावाला ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। अब खबर शामिल करते हैं तांदलियावाला से, जहां आल पंजाब शॉलिन शॉनवांग वुशु कंगफू ट्रेनिंग कैंप की इफ्तिताही किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से मार्शल आर्ट खिलाड़ियों ने और चेयरमैन बल्दिया तांदलियावाला ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तांदलियावाला के ऑल पंजाब शाओलिन चान विंग इसके साथ साथ ट्रेनिंग कैंप की इफ्तिताही तकरीब के मुनक्किद की। शहर की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जबकि चेयरमैन मोहम्मद सईद तकरीब के मेहमान खसूसी थे, जिनकी आमद पर वालिहाना इस्तकबाल भी किया गया और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मेहमान खसूसी ने ट्रेनिंग कैंप का इफ्तिताह किया और ट्रेनिंग कैंप में शरीक खिलाड़ियों से खिताब कर जवान खिलाड़ी मुल्क का कीमती सरमाया है और खेलों रहे हैं, खिलाड़ी अपना और मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं और हम दीगर शहरों से आए हुए मेहमान खिलाड़ियों को खुश आमदीद कहते हैं। इस मौके पर कौमी तराना भी पढ़ा गया। इसके साथ साथ आल पंजाब शाओलिन कैंप 30 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसमें दो दूर दराज के शहरों से आई टीमों के माबेन मुकाबले भी होंगे।